नमस्ते दोस्तों, आप सभी का रीटेक में स्वागत है और मैं हूँ ऐसा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने ईमेल पे एक सिग्नेचर डाल सकते हैं जिससे कि आपका ईमेल और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको जो करना होगा को तो सबसे पहले आपको गूगल के सेटिंग्स पे जाना होगा। आप यहाँ से गूगल के सेटिंग्स में जा सकते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर करना है और आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सिग्नेचर नाम का एक टैब और एक सेक्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं। तो आप एक पेपर पे अपना सिग्नेचर कीजिए और उसको किसी प्रिंटर से स्कैन कीजिए या फिर उसको एक कैमरे से उसकी एक तस्वीर लीजिए। एकदम तस्वीर एकदम क्लियर होनी चाहिए और आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप कैसे यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं। आप इस इंसर्ट इमेज बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपलोड दिख जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और ये हो भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और ये साइज थोड़ा इसका बड़ा है तो मैं इसको मीडियम और स्मॉल, आई थिंक मुझे लगता है मीडियम ही ठीक है। मैं इसको मीडियम पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सिग्नेचर एकदम सेट हो गया है और आप इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं कि ये मिडल में होगा, राइट में या लेफ्ट में। तो मुझे लगता है कि ये राइट में होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अलाइनमेंट सेट करने के बाद आप एकदम नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए एकदम पेज के आखिर में और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस का बटन दिख जाएगा और आप इस सेव चेंजेस के बटन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपने इनबॉक्स में आ जाएंगे। तो इनबॉक्स में आने के बाद आप जब भी कोई नया ईमेल कंपोज करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपका सिग्नेचर ऑलरेडी वहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए, मेरा सिग्नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है और मैं यहाँ से विकिपीडिया से एक आर्टिकल यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ईमेल जो मैंने लिखा हुआ है वो कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्रोफेशनल लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी ऐड किया हुआ है। तो मैं जिसको ये ईमेल भेजूँगा तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि ईमेल किसने भेजा है। और यहाँ पे आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। और आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी को ऐसे ईमेल सेंड करते हैं तो उनको जो ईमेल पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप इस तरह के कुछ नए वीडियोस और कुछ टेक वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग मुझे नए नए वीडियोस के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के मेरे वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो उसमें आप लोग अपने सजेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी भेज सकते हैं। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और मेरे चैनल पे आते रहिए क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ाना टेक वीडियोज़ डाल सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों।